गुड मॉर्निंग everyone. I आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट चैप्टर थ्री नाउ कर्व शेप यानी वर्ग आकार कर्व शेप इज to टू ड्रॉ स्मूथ एंड कर्व टू यूज द कर्व शेप फॉलो द given स्टेप दिए गए चरण का पालन करने के लिए वक्र आकृति का उपयोग करें एक निचली और घुमावदार रेखा खींचने के लिए किया जाता है फर्स्ट है ऑन द होम टैब क्लिक ऑन द कर्व शेप इन द शेप ग्रुप सबसे पहले होम टैब पर आकृति समूह में वक्रतियों के विकल्प करेंगे क्लिक करेंगे एंड सेकेंड सेलेक्ट एंड डिजायर लाइन थिकनेस एंड कलर्स वांछित लाइन मोटाई और रंग का चयन करेंगे ब्राइट द माउस पॉइंटर ओवर द ड्राइंग एरिया हमारा ड्राइंग एरिया के ऊपर माउस पॉइंटर को लाएंगे क्लिक द ड्रैग एंड माउस टू ड्रॉ द कर्व लाइन घुमादार रेखा खींचने के लिए माउस को क्लिक करेंगे और खींचें क्लिक वेयर यू वॉन्ट द फर्स्ट कर्व टू बी एंड देन ड्रैग एंड माउस पॉइंट टू एडजस्ट अ कर्व इफ यू वॉन्ट ओनली वन कर्व एंड देन डबल क्लिक पांचवा है जहाँ आप चाहते हैं कि पहला वक्र हो फिर माउस सूचक को वक्र को समायोजित समायोजित करने के लिए खींचें यदि आप केवल एक वक्र चाहते हैं तो डबल क्लिक करें छठवा फॉर सेकेंड कर्व रिपीट द प्रीवियस स्टेप्स रिलीज द माउस बटन वेन यू गेट अर डिज़ायर्ड कर्व रिमेंबर ओनली टू कर्व कैन बी मेड फॉर अ लाइन जिसमें क्या है दूसरी लाइन के पिछले चरण को दोहराएंगे जब आप वांछित लाइन प्राप्त करते हैं प्राप्त करते हैं तो माउस बटन को केवल एक लाइन के लिए एक लाइन के लिए बनाया जा सकता है अब हम बात करते हैं कलर पिकल टूल रंग बीनने का उपकरण कलर पिकल टूल इज वेरी यूजफुल टूल टू कॉपी द कलर अ फ्रॉम एन एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड फिलिंग इट इनटू द अदर ऑब्जेक्ट टू यूज द कलर पिकल टूल फॉलो द गिवन स्टेप कलर पिकल टूल किसी भी मौजूदा ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट uh, से कलर कॉपी करने के लिए बहुत ही उपयोगी टूल है दिए गए स्टेप्स दिए गए स्टेप्स को फॉलो करते हुए कलर पिकर टूल है दिए गए स्टेप फॉलो करते हुए पिकर टूल का उपयोग करने के लिए इसे किसी अन्य अन्य ऑब्जेक्ट में महसूस किया जाता है फर्स्ट है हमारा ड्रॉ द ऑब्जेक्ट एज सोन एज द फिगर ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें और आकृति में दिखाया गया है सेकंड कलर द रेक्टेंगल्स यूजिंग द फिल विद कलर टूल्स सेकंड में है रंग उपकरण के साथ भराव का उपयोग करके आयत को रंगते हैं सेलेक्ट द कलर पिकर टूल फ्रॉम द टूल्स ग्रुप थर्ड है टूल ग्रुप से कलर पिकर टूल चुने एंड हमारा फोर्थ है ना फोर्थ है क्लिक ऑन द रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट टू कॉपी द कलर रंग की प्रतिलिपि बनाने के लिए आयत ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें पछुआ फाइव है हमारा मूव द माउस पॉइंटर एंड क्लिक दर्कल फिल द सेम कलर इन इट पांचवे नंबर पे क्या है माउस पॉइंटर को मूव करें और उसी रंग को भरने के लिए सर्कल पर क्लिक करें फिर सेक्स द पिकर टूल कलर इज सेट ऑफ फ्री फाउंड फोर ग्राउंड कलर यूज दिस कलर टू फिल यूजिंग फिल द कलर टूल्स बेकार रंग को अग्रभूमि रंग के रूप में सेट किया गया है ताकि रंग के साथ भरने का उपयोग करने से करके किसी भी आकार को करने के लिए Uh, करने के लिए इस रंग का उपयोग किया जा सके अब हम बात करते हैं सेलेक्ट की सेलेक्ट यानी चयन करता द सेलेक्ट इज यूज टू सेलेक्ट एनी पार्ट ऑफ द पिक्चर दैट वी वॉन्ट टू चेंज द सेलेक्ट बटन इज प्रेजेंट द इमेज ग्रुप ऑन द होम टैब क्लिकिंग दिस बटन ऑप्शन ओपन अ ड्रॉप डाउन मेनू इट प्रोवाइड टू टाइप्स ऑफ सेलेक्शन सेप्स करता जैसा कि चित्र के किसी भी भाग को चयन करने के लिए उपयोग किया जाता है जिसे हम चयन करना चाहते हैं आ, बटन में मौजूद छवि समूह में मौजूद है इस बटन को क्लिक करने पर ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है या दो प्रकार के आ, दो प्रकार के चयन बनाता है इसी के साथ ही हमारा ये टॉपिक अभी खत्म होता है थैंक यू एवरी